चले मैं आपको बताता हूं कि बाइसनेस को कम कैसे किया जा सकता है पहली चीज़ तो यह है कि इंफॉर्मेशन आपको गलत मिल रही है सो so, बाइसनेस का मतलब है एरर्स एरर्स का मतलब है वो वाली एरर्स जो सिस्टमेटिक हैं या आप जिस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपके दिमाग में बिलीफ में या किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से या आप ये कह सकते हैं कि आपका रिसर्च डिज़ाइन सही नहीं है देर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से ये बाइसनेस अक्कर होती है अब हम उनका तोड़ देखेंगे वन बाय वन करके कि कैसे इनको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करना है सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आपने बाइसनेस को कम करना है आपको सैंपलिंग टेक्निक को इंप्रूव करना है नंबर वन इंप्रूव सैंपलिंग मेथड, इंप्रूव सैंपलिंग मेथड्स। सबसे पहला काम अपना सैम्पलिंग मैथड को इम्प्रूव करें रेंडमाइज सैंपलिंग करें सैंपलिंग हम पढ़ने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर एक दो दिन के अंदर तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि इंश्योर करें कि पूरे पूरे जो फॉरेस्ट है ना उसमें से आपने रेंडमाइज्ड कोई पंद्रह बीस सैंपल लिए हैं ठीक है रेंडमाइज का मतलब है रेंडमली ये नहीं कि जो सामने पांच आगे वो ही ले लिए नहीं रेंडमाइज लिए या आप स्टेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं स्ट्रेटा बना के मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तानी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करना है तो आप बड़े सिटीज़ को देखेंगे कराची लाहौर फैसलाबाद फिर मुल्तान और फिर इस तरह के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं आप फिर उनकी पॉपुलेशन साइज की बेस पे सैंपल लें यानी कि अगर आपने दस लोगों का सैंपल लेना है चार कराची से लें तीन लाहौर से लें दो फैसलाबाद से लें और एक मुल्तान से लें क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का क्राइटेरिया इस तरीके से हो रहा है सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेटिफाइड सैंपलिंग लेकिन इसको हम पढ़ेंगे सो so, पहली चीज इंप्रूव करें सैंपलिंग टेक्निक यानी कि डेटा कलेक्शन टेक्निक। सैंपलिंग का मतलब यह है डेटा कलेक्शन। ठीक है अब अगली चीज क्या होगी सेकेंड मैथड इज रिफाइंड रिसर्च डिजाइन यूज रिफाइंड रिसर्च डिजाइन देर आर मैनी रिसर्च डिज़ाइंस जिसके अंदर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है कंट्रोल भी होता है फिर आपके पास डिफरेंट किस्म की ब्लाइंडिंग टेक्निक्स होती हैं ब्लाइंडिंग का मतलब ये होता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना है अपना जो आर्टिकल लिखा हुआ है मैं किसी से रिव्यू करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं अपना नाम बीच में से निकाल के एनोनोमसली ये काम करूँ यानी कि ब्लाइंडिंग टेक्निक यूज करूँ लोगों को पता ना चले कि ये कहाँ से आ रही है क्योंकि अक्सर अकात लोग इसी वजह से रिसर्च पेपर्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये जी मोहम्मद लिखा हुआ तो ये कोई मुसलमान होगा ये अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से आया तो इसको मैंने नहीं ज्यादा वेटेज देनी नस से आया तो ज्यादा देनी है या ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी का पेपर है तो इसको रिव्यू में भेजना है सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स उनको रिड्यूस करने के लिए रिसर्च डिजाइन या डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को आप यूज़ करते हैं रिफाइंड रिसर्च डिज़ाइन जिसमें ब्लाइंडिंग मैथड होता है और कंट्रोल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इसको भी हम पढ़ेंगे नंबर तीन जो तीन नंबर पे है आपको डेटा कलेक्शन जो है वो विजिलेंस करनी चाहिए डेटा कलेक्शन इसका मतलब क्या है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना वो या तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल के थ्रू करें या मल्टीपल सोर्सेज से करें जो मैंने आपको कल तरीका बताया था ट्राइंगुलेशन के थ्रू डेटा लाएं या आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल यूज करके डेटा लेके आए ताकि उसकी बाइसनेस ही खत्म हो जाए एक बंदा यहां से करे एक यहां से एक यहां से ठीक है तीन किस्म की ट्राइंगुलेशन को यूज करें ताकि आपके डेटा जो है उसमें बाइसनेस रहे ना नंबर फोर नंबर फोर इज एनालिटिकल अवेयरनेस एनालिटिकल अवेयरनेस इसका मतलब यह है कि जब आप डेटा को कलेक्ट कर लें और दोबारा से जाके सेट नहीं कर चाहते करना चाहते बाइसनेस और डेटा में बाइसनेस आ चुकी है तब आप क्या करते हैं आप उस वक्त उस डेटा को स्टेटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं स्टेटिस्टिक्स लगा के चेक करते हैं कि इसमें कितनी बायस है और उसको कैसे कम किया जा सकता है ठीक है यानी कि एरर की परसेंटेज को बढ़ाते हैं सेकंड सेकेंड यह होता है कि आप पीयर रिव्यू करवा लें क्योंकि हो सकता है कि जो चीज आपको सही लग रही है वो किसी और की नजर से आपको इम्प्रूवड मिल जाए यानी कि वो किसी और की नज़र में गलत हो आप अपने मेथड को दोबारा से पीयर रिव्यू करवाएं कि मैंने ऐसे डेटा कलेक्ट किया है मैं स्टेटिस्टिक्स ये वाली लगाने वाला हूँ मेरे पास जो अनबाइस परस्पेक्टिव है वो ये वाला है आप आप चेक करें कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। मतलब ये कि आप अपने सीनियर्स को या अपने डिफरेंट को ऑथर्स को पूछें या डेटा कलेक्शन वाले जो आपके टीम है उसको पूछें कि यार ये देखें कि मैंने ये ये मेथड यूज किए हैं ये ये टूल यूज किए हैं डेटा को मेयर करने के क्या ये ठीक है और फिर वो आपको बताएंगे कि हां ये ठीक है या नहीं है या इसमें ये इंप्रूवमेंट कर लो सो सेकेंड ओपिनियन लेना इसका मतलब ये है नंबर फाइव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन गोइंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस मतलब ये कि हो सकता है आपने जो पंद्रह साल पहले स्टेटिस्टिकल एल्गोरिथम पढ़े थे वो आजकल ना पैद हो गए हैं ठीक है सो आप क्या करें बाइस अवेयरनेस ट्रेनिंग लें लोगों से पूछें कि बाइसनेस होती क्या है कैसे निकालना है डेटा में से बाइसनेस को रिमूव कैसे किया जाता है और अनबाइस डेटा कहाँ से लेना है क्यों कलेक्ट करना है सैम्पलिंग मैथड्स क्या हैं मतलब ये कि ये स्टेटिस्टिक्स का कोर्स कम्प्लीट करें ताकि आपको समझ आए कि बाइसनेस होती क्या है और उसको कैसे हमने रिमूव करना है यानी कि कोर्सेज या ट्रेनिंग लें बुक्स पढ़ें नंबर थ्री इज आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसको इंप्रूव करें मतलब ये कि अगर सारे के सारे आपकी तारीफें कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है दया समझ रहे हैं बात को मिसाल के तौर पे अगर सब आपके साथ खुश है ना तो कुछ तो गड़बड़ है तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें अपनी टीम के अंदर भी और चेक करें कि लोग डिफरेंट परस्पेक्टिव से कैसे देखते हैं बजाय इसके कि आपका कस्टमर डिफरेंट परस्पेक्टिव से आपको देखे इससे पहले बेहतर यह होता है कि आप अपनी टीम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें सो दीज आर द फाइव थिंग्स जिनको आप मद्देनजर रख के अपने डेटा को बाइस फ्री कर सकते हैं यानी कि इंप्रूव सैंपलिंग मैथड्स रिफाइंड रिसर्च डिजाइंस डेटा कलेक्शन ठीक है फिर आपके पास जो है जनाब डेटा कलेक्शन हो गया एनालिटिकल अवेयरनेस होगी ऑन गोइंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस हो गई एंड आपके पास रिफाइंड रिसर्च ना इन इम्प्रूव सैम्पलिंग मैथड कोर्स ट्रेनिंग और ये सारी चीजों के थ्रू आप बाइसनेस रिमूव कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि बाइसनेस कर क्या देगी अगर मैं बाइसनेस को रिमूव नहीं करता तो बाइसनेस क्या कर सकती मेरा क्या बिगाड़ सकती है आपका ये बिगाड़ेगी अगर आप मिलियन डॉलर कंपनी के अंदर डेटा साइंटिस्ट लगे हुए हैं ना और आपकी बेस पे उन्होंने तकरीबन कोई दस मिलियन या बारह मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने हैं और आप जिस डेटा पे रिलाई कर रहे हैं वो खराब है अगर फिर अगली नौकरी लग लो तुम समझ गए हो ना क्यों क्योंकि उन्होंने तो काट ही देना है फिर उन्होंने तो निकाल देना है रीजन ये है कि आपकी बेस पर लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट यू शुड नो कि डेटा में कौन सी खराबी है और आपको रोबस्ट मेथड्स यूज़ करने चाहिए स्टेटस्टिक्स का पता होना चाहिए बाइसिस का पता होना चाहिए बाइस होती क्या है बाइस को रिमूव कैसे करना है इंफॉर्मेशन बाइज क्या होती है रिपोर्टिंग बाइज क्या होती है मतलब ये कि स्टार्ट टू एंड आपने हर एक चीज़ को इम्प्रूव करके फिर आगे लेके चलना है और बाइसनेस और इस तरह की सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने डेटा साइंटिस्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना है मैंने अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्लॉग दी है जिसको आप देख सकते हैं अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आपको डेनेक्स की वेबसाइट पर जाके मैंने जैसे कल बताया था डे फोर के अंदर पहला ब्लॉग जो है मेयरमेंट पाइस के ऊपर है आप उसको रीड कर सकते हैं ठीक है जी